सो गुड मॉर्निंग गाइस, ते आज 20 मई है। इतने का ब्लॉग मैं तुम दिखा दिना क्योंकि असं जा रहे भूटान में, तो भूटान के लगते हैं पैसे। पहले से फ्री ऑफ कॉस्ट, हम फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं है, हम लगते इतने पैसे। तो ये कि टाइम लगता है, ये है गाइस भूटान की गड्डी, भूटान की गड्डी है गाइस। तो साढ़े को पोस्टर है लिफ्ट का, तो चैकिंग हो रही भी, देखते की कहते हैं। गाइस बारिश का मौसम, बारिश बहुत तेज़ है। हम रुके एक दुकान के ऊपर, किराने की दुकान है, तो ये भाई ने मेरे को यहाँ रोक दिया। बारिश रुकेगी तो हम आगे बॉर्डर पे जाएंगे, बारिश बहुत तेज़ है। तो जस्ट मैंने अपने बैग यहाँ रख दिए हैं और मेरा पोस्टर ये पड़ा है वर्ल्ड ट्रैवलिंग का, और मैं दुकान की ओर जा रहा हूँ। बट मेरे को एक चीज़ की समझ नहीं आई, इन्होंने 1200 रुपये किस चीज़ पर रखे हैं, ये वहाँ जाकर क्लियर होगा। कह रहे हैं पर डे का एक दिन रुकोगे आप वहाँ पर 24 आवर्स के बाद आपको 1200 रुपये पे करने पड़ेंगे भूटान के अंदर। तो गाइस आगे जाके देखते हैं क्या रूल है, जस्ट मेरे को नहीं पता। तो ये देखो यहाँ से सभी ब्रेड मिक्स लैंग्वेज मिलेगी यहाँ पे आपको, मिक्स ऐसे वेस्ट बंगाल के अंदर हम रहते हैं। यहाँ नेपाल के बॉर्डर भी पड़ता है, वेस्ट बंगाल का भूगोल भी पड़ता है, आसनसोल का पड़ रहा है, कितनी लैंग्वेज है यहाँ पर, सभी मिक्स तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर। तो ये भाई है मेरे सामने, ये फ़ोन चला रहा है हेलमेट डाल के। सामने मेडिकल स्टोर है, और सामने पहाड़ियाँ देख रहे हो, पहाड़ी के परले सिर्फ भूटान है। तो गाइस यहाँ से भूटान स्टार्ट हो जाता है, देखते हैं कितना टाइम लगता है। बारिश रुक गई तो अच्छी बात है, अगर नहीं रुकी तो मुश्किल है मिलती है। सो गाइस ये सूखी फुलियाँ हैं, ये 10 रुपये का पैकेट है, 150 ग्राम का, ये इनको मूढ़ी बोलते हैं। अंकल आप कहाँ से रहने वाले हो? हम मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट। मुजफ्फरपुर, तो यहाँ अंकल दुकान खोली है अपने कितने टाइम से? बहुत साल हो गया, 1975 से। 1975 से खोली है बॉर्डर के पास। आपकी सारी फैमिली यहीं रहती है? आप भूटान गए हो अंकल? हाँ। कितनी बार? बहुत बार गया। बहुत बार? तो पहले व्यवसाय करता था। ओके। सब्जी वब्जी बिक्री करता था, फल बिक्री करता था। ओके। तो अंकल अब क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पे, लोग क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या दिक्कत है वहाँ? अभी 10 रुपया जाने का, 10 रुपया आने का है ना। ओके, 10 जाने का, 10 आने का, उसके बाद? उसके बाद में चले आइए अपना। ओके। रात भर ठहर जाइएगा, 1200 रुपया पाइन। ओके। सो गाइस अगर रात भर ठहरोगे तो 1200 रुपया, अगर जाना है और आना है उसके 10 जाने 10 आने के ले रहे हैं। ये पहली बार मैंने सुना है भूटान के अंदर हो रहा है, या अभी देखेंगे वहाँ जाकर क्या हो रहा है। आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड चाहिए। ओके। सो गाइस ये हम मूढ़ियाँ खा रहे हैं यहाँ पे, देखते कैसा टेस्ट है। सो गाइस बारिश रुक चुकी है और हमने ये मूंगफली ली है, सॉरी सो गाइस हम पहुंचने वाले हैं बॉर्डर की ओर। सो गाइस भूटान की आर्मी का ट्रक देख लो, ये भूटान की आर्मी है। हमारे आगे भूटान की आर्मी का ट्रक जा रहा है, हम एंट्री होने वाले भूटान की ओर। तो गाइस मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ, ये बॉर्डर है और आप देख सकते हो यहाँ के लोग। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, बारिश बहुत तेज़ है और देखते हैं कितना टाइम लगता है यहाँ से आगे जाने में। तो यहाँ से ट्राई करते हैं, बट एटलीस्ट देखते हैं कितना टाइम लग रहा है।
तो गाइस ये देखो, ये इन्होंने मेरे को जूस पिलाया। अभी आप कहाँ से हो? मैं भूटान बुर्जलिंग से बैठता हूँ। बुर्जलिंग से बैठते हो, तो आप यहाँ घूमने आए हो? ना ना, मेरा ऑफिस है यहाँ पे। ऑफिस है? अच्छा, मेरे को ये बताओ, मेरे को भूटान की ओर एंटर करना है, कैसे करूँगा? क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं है। पैसे नहीं है तो आप वोटर आईडी लेना है, रजिस्ट्रेशन करना है, 10 रुपए एंट्री पास लगेगा यहाँ से। ओके, एंट्री से। ओके, फिर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं भूटान। ओके, नेता जी है यहाँ का। ओके, क्या बोलता है ना, प्रधान। प्रधान? ओके, प्रधान। ठीक है, तो यहाँ अंदर जाने के अगर स्टे करना हो तो उसका क्या होगा? कोई चार्जेस नहीं लगेगा। वो आपका क्या, आप पूरा टेंट वगैरह लाए? हाँ, मेरे पास टेंट है। हाँ, तो आप वहाँ पे जा सकते हो। वहाँ पे मतलब कोई चार्जेस तो नहीं? अगर तीन चार पाँच छः दिन आप अगर ना चार पाँच ना, फिर आपको निकलना पड़ेगा। ओनली 24 आवर्स एंट्री है, एग्जिट करना है 24 आवर्स के बीच में। ओके, जैसे आज गए कल सुबह, फिर निकलना, फिर एंट्री करना। ओके, आना जाना मेरे को करना पड़ेगा कंटिन्यू 24 आवर्स के बीच में। ओके, नहीं तो अगर आप 24 आवर्स से अबव होता है तो आपको 1200 रुपया पर डे सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी भूटान गवर्नमेंट आपको चार्ज करेगा। ओके, ये क्या चीज़ का रीज़न है सर, ये क्यों लगाया इन्होंने? ये SDF लगाया है क्योंकि भूटान गवर्नमेंट चाहता है कि पहले वीज़ा फी लेता था। ओके, पहले फ्री था। ओके, अब ये पैंडेमिक के बाद में ये लोग इतना इन्वेस्टमेंट किया है टूरिज्म को लेके, प्रमोट करने के लिए वो ये चार्ज ले रहा है। ओके, तो जैसे हम विदाउट मनी हम ट्रैवल कर रहे हैं तो आप ऊपर नहीं जा सकते हैं, उसके लिए आपको वीज़ा लगेगा पर डे का 1200 रुपये, पर नाइट का। पर नाइट का 1200 रुपये। हाँ, ऊपर नहीं जा सकते, नीचे आसपास घूम सकते। हाँ, घूम सकते, ये बिल्कुल घूम सकते हैं। आपको प्री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, अभी मैं आपको वो साइट बताऊंगा, उसमें आप लॉगिन करिए। ओके,